Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज है 5.4 क्वेश्चन नंबर है 4 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे जो कि है 8x6 plus 7x cube minus 1. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. सबसे पहले इसे एक बार इसी तरह से उतारेंगे plus 7x cube minus 1. इसके बाद हमने दरमियान वाले जो नंबर है उसे फैक्टराइज करना है. तो 8x6 plus अब यहाँ पर 7x क्यूब है तो हम इसे कर देते हैं 8x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर 8x क्यूब में से जब x क्यूब जाएगा तो रह जाएगा 7x क्यूब. इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमन लेना है तो कॉमन हम ले लेते हैं 8x क्यूब को. तो अंदर क्या रह जाएगा, x क्यूब प्लस यहाँ पर 8x क्यूब बाहर है तो 1 रह गया. ठीक है, अब अगले में माइनस 1 को हमने लेना है कॉमन, तो क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस कॉमन है तो अंदर आ गया प्लस का 1. ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमन आ गया, दो बार मौजूद है तो 8x क्यूब माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और यहाँ पर ये हो गया 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब. तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होंगे, दो एक होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और सेकेंड होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा अप्लाई, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 और आगे और अप्लाई होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब ए और बी फिर प्लस बी का यानी 1 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर ये होगा अगले में 2x माइनस 1 2x का स्क्वायर प्लस 2x और 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर. तो आंसर क्या है हमारा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और 2x माइनस 1 तो 2 टूजा हो गया 4. तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आंसर. बहुत ही ज़्यादा इजी था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.